पेपर का लेवल का था, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट? मॉडरेट था। कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा इजी लगा? इजी सब सही था, लेकिन इंग्लिश टफ था। इंग्लिश टफ था, पैराग्राफ और दोनों टफ था। पैराग्राफ बड़ा आ रहा है? हाँ बड़ा आ रहा है। पैराग्राफ का नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टफ था। अच्छा, हिंदी कैसा रहा? हिंदी ठीक था। इंग्लिश मतलब टफ? हाँ इंग्लिश टफ था, बाकी सब सही था। मैथ भी सही था। मैथ में नंबर सिस्टम ये कहाँ से आ रहा है? सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है, बाकी पैराग्राफ थोड़ा टफ है मैथ की। कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो सही नहीं आया पूरा। ईवीएस कैसा रहा? ईवीएस भी ठीक था। आपने कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट पूरा 150 पूरा। थैंक यू। पेपर कैसा रहा? पेपर नॉर्मल था, ठीक था। पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? मॉडरेट था। मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था। कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा इजी लगा? सबसे ज्यादा इंग्लिश लगा मेरे को। इंग्लिश इजी और हिंदी? हिंदी इजी लगा। ईवीएस? ईवीएस ठीक ठाक था, मॉडरेट था। कोई और ओवरऑल पेपर कैसा रहा? सही था, नॉर्मल था, ठीक था। कौन सा सेक्शन मतलब आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो क्या पढ़ गया लास्ट टाइम? लास्ट टाइम देखो पेडागोजी ज़्यादा उसमें मैटर कर रहा है। पेडागोजी सबसे ज़्यादा, अगर पेडागोजी सिर्फ कंप्लीट है तो वो हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। सारे तो पेडागोजी ही थे, मेन पेडागोजी। मैं 145। फिर पेपर अप्लाइड था पूरा पेपर, मतलब 15 क्वेश्चन अप्लाइड थे और 15 क्वेश्चन में भी अप्लाइड था, पूरा पैडोलॉजी बेस्ड था। पेपर के लेवल ओवरऑल कैसा रहा? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कैसा आप आंकेंगे? मुझे तो इंग्लिश थोड़ी टफ लगी और सारा इजी मॉडरेट लगा है। हाँ। कोई खास नहीं रहा। अच्छा। और मैथ में भी कैलकुलेशन वाले काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। जैसे एक कोई व्यक्ति दिल्ली से बम्बई जाता है, समय बता रहा है। हाँ नहीं इजी था, मॉडरेट था, कोई टफ नहीं था। इंग्लिश बस मुझे थोड़ी हार्ड लगी, थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ पैसे उसके थोड़ी समझ में नहीं आया। पैसे थोड़े बढ़िया है। हाँ हिंदी के पैसे दोनों बढ़िया लगे। क्वेश्चन याद है आपको? जैसे आया था कि पांचवी मतलब एवरेस्ट पे कौन सी महिला चढ़ी है भारत की? अच्छा, एवरेस्ट पे कौन? हाँ, हाँ। तो बस हिंदी पाल उसका आंसर सही था। अच्छा। और EWS से आया था, EBS में? EBS में बताइए कि केरल का था एक, कोई खान पान से था टेरियोपा वाला। अच्छा। असम वाला था कि बांस के, बांस में लोग कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये पिछले पेपर में भी। हाँ हाँ रिपोर्ट थे, मतलब कहाँ लोग बांस के घर बना के रहते हैं? 15-20 फीट के ऊपर बांस में रहते हैं। उसके बाद उसमें एक और क्वेश्चन आया था, डंबल पे खेल के लिए आया था। हाँ। लाइन में लगा के डंबल से खेलते हैं। और एक क्वेश्चन था, और एक हिंदी का आया था, दीपावली और होली कब मनाई जाती है? पूर्णिमा को या अमावस्या को? दोनों ऑप्शन थे। और कोई क्वेश्चन आते हैं? मैथ और मैथमेटिक्स के आए थे कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में कितने एंगल्स के डिफरेंस आया था? 2 बजे के बीच में कितने एंगल कौन बनेगा? रीजन से सवाल पूछा जा रहा है। हाँ रीजन के 4-5 क्वेश्चन थे हर सेक्शन में से, दो दो मतलब पहला से दूसरा दोनों स्टेटमेंट रीजन के तरह से। EBS में आया था कि मतलब वो जो असम वाला होता नहीं कि इतने ऊँचे मतलब बनाते हैं। हाँ हाँ 10-15 मीटर ऊँचे। डांस का कौन सा था ये? डांस करते हैं बांस लेकर। टेपियोका आया था, एक नारियल का जो करी बनती है। एक EBS का क्वेश्चन था कि अरल सागर से कौन से स्टेट टच करते हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र। कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल, तीनों क्वेश्चन थे। कौन से स्टेट टच करना टच कर। और कोई सवाल जो याद हो आप लोग? और एक टेपियोका था, ट्रेपियोका। और मैथ में था एक 25,320 ऐसे करके उसमें था कि मतलब मीटर बांस वाले पे कौन सा घर बनता है, 25,349 में कितने होते हैं? प्रीवियस ईयर हेल्प कर रहा है, प्रीवियस ईयर रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, वही रिपीट क्वेश्चन। टीवीएस का क्वेश्चन सबसे इजी पटाखा जी।